टाइम वो तकिए के नीचे नोट रखा करते, एक रखा करता। मैंने कहा लगे यह गाड़ी कैसे रुकाई कुरुक्षेत्र, मगाजी पैसे नहीं थे, उन्होंने सुविधा से पेट्रोल डलवा लिया। तेरे को जानता था माजी, आपको जानता था, कहा मेरे पास तो था ही नहीं, 5 रुपए थे। और फिर वहाँ जा कर कुमानी घुमाई दिल्ली का ठाले तीसरे मर्जी कमानी कौन क्या थी, चारपाई में लगी हुई थी हैंडल सर, चारपाई में 20 लाख रुपए लाख रहे। अच्छा, लेकिन देता भी नहीं हुई था किसी को, उसने नाराज नहीं किया, जितने मांग लिए तुमने। एक बार जेब की तो कट गई थी ना, किसकी कटी थी, वाल्मीकि कटी थी, इसके बाप की जो लंगर दो जो ये काट दिया, किसके बाप की, ये वाल्मीकि नहीं है, ये पूरा खड़गोट दही बन रही है। अच्छा, जयवीर वाल्मीकि, जयवीर इसके पिताजी की, वाल्मीकि रामदारे, रामदारे की, पैसे ले गया, चंदे के पैसे ले गया, 40,000 थे उनका। और 2 घंटे पास कहना मेरी जेब कट गई राम सो लोगों जी, मैं कह रहा जिसकी जेब कट गई वाल्मीकि, गणेश साले की थोड़ी कटी है, मेरी कटी है। ले और ले जाए, ले जा, दे दे इसको। पंडित भगत दयाल जी के जो अंतिम समय था, जो वो, उससे पहले की एक मैं घटना आपसे पूछूं, 87 में चौधरी देवीलाल को 8 MLA दिए थे उन्होंने, अपने 8 नाम दिए थे, जिनमें भिवानी के ओम प्रकाश भारद्वाज जी भी थे, वासुदेव शर्मा जी भी थे, तो ये उसी टाइम बिगड़ क्यों गई फिर उनकी देवीलाल जी से, बताओ जी। चलो बड़ा अच्छा होगा ये आपने मेरे से पूछ लिया, लोग तो दुनिया जान की बात बनाओ। मैंने कहा तो देवीलाल आपको धोखा देगा, मैं तो रिटायर हो गया था, कला मालूम तो ऐसा ही देता आराम से, यहाँ बहुत बड़ा पब्लिक था हजारों तक में, इतनी भीड़ कदे देखे, मैं इधर से निकाल कर आया था उनको रिटायर होने के बाद भी। अच्छा, कहा देवीलाल बहुत झूठ बोल रही, अगले साल क्या बोलेंगे। अच्छा, जहाँ सारे वादे कर रही, फिर मैंने वहाँ रह गया, मैंने कहा भाई मेरे साथ तो धोखा करा, टिकट तो दे दी, इनको हरा होगा अट्ठों को। मुनासी दास ने पता लग गया भिवानी वाले ने, उसने देवलाल को समझाया, अकीन ने जरूर देता तेरे हाथ जड़े चाहिए, ये तेरे साथ रहेंगे। लेकिन उस टाइम तो लहर चल पड़ी थी देवलाल की, तो चल रही थी ना देवलाल की, लेकिन पंडित जी क्या था हरा दो, देवलाल हराता हो तो हरा दे, सातवा हराओ था, लेकिन उसने कहा मत हराओ इनको। अच्छा, इन्हें जताओ इस पर शान रहेगा, मेरे को तो देवलाल बताया, बना देता हूँ मैं। राजेश को राजीव गांधी ने बुला लिया, अच्छा, बड़े लड़के को, अकीश को उपराष्ट्रपति बना दूंगा, किनको, मगुदार। अच्छा, देवलाल से तोड़ दे, वो ना माने उसकी राजेश की, पंडित जी भी नहीं माने, राजेश को ना माने, वो कला बड़े बैठो आप सब नू टूटा रहो, फिर देवलाल में जताने जरूरी हो गए। अच्छा, वो इसलिए पंडित जी टूट गए फिर वो, लेकिन पंडित जी उपराष्ट्रपति तो बने नहीं, वो उसका राज्य ना रहा राजीव गांधी का।